नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर। नरकटियागंज पश्चिम चंपारण राजद कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला शहर के मुख्य चौराहे पर जलाकर विरोध जताया गया। इस दौरान राजद, सीपीआई, माकपा माले सहित महागठबंधन के दर्जनों नेताओं ने पुतला दहन कार्यक्रम में शिरकत लिया। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजद ने सरकार को घेरते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज मुख्यमंत्री पुतला दहन किया गया। बढ़ती महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है, जबकि खाना खाने के लिए घर में लाले पड़ गए हैं। साथ ही रसोई गैस में दामों की बढ़ोतरी और डीजल पेट्रोल के दामों को अगर केंद्र और राज्य सरकार वापस नहीं लेती है तो आगे और भी आंदोलन जारी रहेगा। और अभी कई आंदोलन महागठबंधन के नेताओं ने करने की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर और नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर पूरे बिहार में आज प्रखंड स्तर पर महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो गए हैं। किसानों का खेती करने में, पटवन करने में डीजल लगती है। वह सभी समस्याएं किसान झेल रहे हैं, मगर मोदी सरकार और नीतीश सरकार को इससे कोई बहस नहीं है। आज के डेट में लूट, हत्या, बलात्कार जैसा घटनाएं घट रही हैं, मगर नीतीश सरकार और मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो हो गया और जो है डीजल पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम 1000 रुपया के पार कर रहा है, मगर मोदी सरकार को कोई बहस नहीं है। उन्हें भारत के जनता से कोई बहस नहीं है, अगर है तो इस देश के खजाने को लूटने से बहस है। इसी वजह से राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में सभी प्रखंडों पर आज जो है राज्यव्यापी धरना दे करके और उनके खिलाफ प्रदर्शन करके ये मांग करती है कि पेट्रोल, डीजल, किसान के खाद्य सामग्री, बीज वगैरह का दाम कम करें और गरीबों के थाली से जो सब्जी गायब हो रही है, अन्न गायब हो रही है, दाल गायब हो रही है, उस सभी का दाम पर नियंत्रण करें, अन्यथा ये चरणबद्ध आंदोलन होता रहेगा। और पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय में कल विशाल रूप से जो है राज्यव्यापी आंदोलन किया जाए। और डीजल की जो महंगाई अभी बढ़ रही है, इसके इस एवज में आप लोगों ने जो पुतला दहन किया है, इस संबंध में क्या कहिएगा? हम लोगों का यही कहना है कि भारत सरकार एकदम अपने आप को अगर स्वच्छ कहती है और कहती है कि मैं एकदम स्वच्छ हूँ, तो इसे भी जीएसटी के अंदर लाए, और जब जीएसटी के अंदर लाएगी तो निश्चित रूप से इसका दाम और बहुत कम हो जाएगा। अभी बिहार के अंदर और भारत सरकार के अंदर जितना टैक्स दिया जा रहा है वो डीजल और पेट्रोल की कीमत को 3 टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाता है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह अन्य सामग्रियाँ जीएसटी के अंतर्गत है, इसे भी जीएसटी के अंतर्गत लाए। आज गैस का दाम 950 रुपये हो चुका है, पेट्रोल की कीमत 106 रुपये लीटर हो गई है, डीजल की कीमत 97 रुपये लीटर हो गई है। ये सरकार आखिर गरीबों के लिए है या गरीबों को बचाने के लिए है? आज सरकार देखे कि बेतिया से बस का किराया 100 रुपये हो गया है, यहाँ से पटना जाने के लिए 700 रुपये बस वाले लेते हैं, ये मनमानी चल रही है। मैं मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि आज आप लोग इसको सुधारे, अन्यथा जनता जाग चुकी है और आपको इसका खामोजा अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय लालू, जय राष्ट्रीय जनता। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया अग्रवाल, नगर राजद अध्यक्ष। क्या कहिएगा इस संबंध में, बढ़ते महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल महंगाई? लोकतंत्र का हत्या है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस अपने श्रद्धा के साथ मोदी जी की सरकार बनाया, नीतीश जी की सरकार बनाया, आज जनता के साथ इन्होंने घात किया और गद्दारी किया, और महंगाई इतनी चरम सीमा छू चुका है कि आज जनता जीने पर मजबूर है। आज पेट्रोल और डीजल और दाल और करू तेल 200 से पार हो गया, अब पेट्रोल 100 से पार हो गया, डीजल हो गया, किसान तराई तराई मचाई रही है। अभी तक नरेंद्र मोदी के नींद नहीं खुला है, उनको विदेश घूमने से कोई उनको फुर्सत नहीं है जनता का सवाल सुनने के लिए। अंबानी की पत्नी की अगर तबीयत खराब है तो नरेंद्र मोदी तो उनको बुखार लग जाए तो जाएंगे उनको बुखार जाँच करने में, अगर इतना जनता मर रहा है, जनता से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का ना ये देश से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, मतलब देश की खजाना लूटने से है। क्या नाम हुआ आपका? शेख भोला, आरजेडी नेता। यूएफटी न्यूज 24 के लिए राजद जिलाध्यक्ष मुन्ना त्यागी की रिपोर्ट।